असलकम वाला वर्क एक दफ़ा फिर वेब डेवलपमेंट सेशन में खुशामदी वेलकम टू माई वेब डिवेलपमेंट द टाइम एंड दिस सेशन इज मेनली इन उर्दू लैंग्वेज यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन इन उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज so I'll continue further session in Urdu language तो हमारे अगर आप पिछले सेशनस देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि हमने तकरीबन जो एच का ये हमारा जो कोर्स हम फॉलो कर रहे थे डब्ल्यू थ्री स्कूल्स पर तो ये तकरीबन हमने ये कर चुके हैं और उसमें एग्जाम्पल्स हम साथ साथ इसकी करते रहे थे और रेफरेंसेस भी कुछ हमने फ़ॉलो किए थे और बाकी हमने ये कहा था कि जब अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम इसकी रेफरेंसेस साइड पे आके देख लेते हैं तो हमारा मेन जो ये सेशन हम रिकॉर्ड करते हैं इसका मकसद ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर्स करना चाहें तो मेन उसके लिए है। लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते तो फिर हम फिर हम अपने एक ये कोर्स जो फॉलो कर रहे हैं ये कर इसको शुरू कर देते हैं तो इसमें हमने इसी तरह एच का कोर्स जो है वो हम पूरा कर चुके हैं तो अभी हमारा फिर आगे सी एस एस शुरू करने का इरादा है और फिर इन ताला इसी तरह जावा स्क्रिप्ट और पी एच पी तो इसी तरह फिर मौका मिला तो बाकी चीज़ें भी इन शाह इसमें शेयर करते रहेंगे तो अभी मैं सी एस एस को uh, उस तरह बाकायदा अभी शुरू नहीं करूँगा इससे पहले मैं थोड़ी सी ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये लाइव सेशन होता है ऑनलाइन इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं इरादा है चेंजेस करने का भी चीज़ें फ़ाइनलाइज नहीं हुई हैं हतमी नहीं है तो कोशिश है कि हमारा इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है ऑफ़लाइन अगर आप हमारे ऑफ़िस में करना चाहें अटक शहर में ऑफ़िस है या फिर अगर आप इंटर्नशिप करना चाहें ऑनलाइन तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं जो कि हमारा इरादा यही है कि शाम चार बजे से ले कर रात दस बजे तक तकरीबन तो ये छः घंटे बनते हैं तो इसमें आपको ये है कि मुफ्त चीज़ें ये सिखाई जाएंगी और प्रोजेक्ट्स वग़ैरह पे आपको काम करवाया जाएगा डमी प्रोजेक्ट्स होंगे बुनियादी मकसद आपको सिखाना उसका होगा तो उसके बाद फिर उम्मीद है कि आप फ्री कर सकेंगे और रियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकेंगे तो एक तो ये अपडेट है कोशिश है कि मंडे से या नेक्स्ट जब भी ये तरतीब बनती है ये जो सेशन है मैं जो वीकली ये करता हूँ तो इसके बजाय फिर ये छोटे सेशन हमारे ये शुरू होना शुरू हो जाएंगे और इन छोटे सेशंस में ये है कि इसी तरह हो सकता है वो आधे घंटे का सेशन हो या थोड़ी देर का हो या ज्यादा देर का हो ये डिपेंड करता है तो उस तरह फिर वो डेली या वर्किंग डेज जो फाइव डेज हमारा टारगेट है मंडे टू फ्राइडे उसमें हमारे ये सेशंस होंगे तो हमें ज्वाइन किया है आशिर अली साहब आपका कोई सवाल है अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं पहले तो मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है बोल के बता दें या फिर नहीं तो चैट मैसेज में बता दें अच्छा चलें अगर अभी आप कोई सवाल नहीं पूछना चाहते तो खैर है तो बाद में यह है कि आप किसी वक्त भी सवाल हमारे इसमें पूछ सकते हैं हमारा जो ये सेशन हम रिकॉर्ड करते हैं इसका मरकज़ी हमारा यही ख्याल है कि इसमें क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब के हमारे सेशनज हों तो जब ये सवाल जवाब के सेशन नहीं होते तो फिर हम ये कोर्सेज़ फॉलो कर रहे हैं डब्ल्यू थ्री स्कूल्स पर इसमें हमने एच डी एम एल का ये कोर्स पूरा हम कर चुके हैं पिछले चंद महीनों से तो अभी हम इन शाला तला सी एस एस का शुरू करना है अभी ये बाकायदा हम इसको शुरू नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं अपडेट दे रहा था कि हमारा जो पहले जो हमारे सेशंस होते थे वो हमारे मेन हम कर रहे थे वीकली बेसिस पे कर रहे थे तो इसमें हमारे दो घंटे का सेशन होता था तो आगे हमारा ये इरादा है कि इन ताला मंडे से या उसके बाद से जब भी ये तरतीब बनती है उसमें हम ये सेशन जो है ना बजाय इसके कि हम इसको हफ्ता वार दो घंटे का सेशन करें ये फिर जो वर्किंग डेज है मंडे टू फ्राइडे इसमें हम छोटे छोटे सेशंस ये रिकॉर्ड करेंगे हो सकता है आधे घंटे का हो पौने घंटे का हो या जिस तरह भी हमारी तरतीब बनती है तो उसमें प्रोग्राम ये है कि हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें जो कि हमारे ऑनलाइन एक हम उसको करें और ऑफलाइन भी हमारे ऑफिस में अगर कोई हमें ज्वाइन करता है तो उस तरह भी हम सर्विस दें तो ये एक फ्री सर्विस होगी ना आपने कुछ चीज़ पे करनी है मुझे मैं आपको मुफ्त चीजें सिखाऊंगा और ना मैंने आपको कोई तनख्वाह देनी है क्योंकि ना ही मैंने आपको किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करवाना है अपने पे काम नहीं करवाना हाँ इसमें यह है कि इरादा है कि डमी कुछ प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे और उसका भी मकसद ये होगा आपकी लर्निंग सिखाना मकसद होगा तो उसके बाद सीखने के बाद अगर कोई तरतीब बनती है मिल के काम करने की तो वो एक अलग बात है तो उसमें छोटे छोटे फिर मैं ये कह रहा हूँ कि सेशंस होंगे अभी तो जिस तरह हम ये दो घंटे की रिकॉर्डिंग करते हैं दस से बारह तो ये तो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी बड़ी होती है बाद में हम यूट्यूब चैनल पर लगा भी देते हैं लेकिन इतने ज़्यादा मैंने देखा है उसके व्यूज़ नहीं होते और यकन इतनी बड़ी वीडियो देख के लोग छोड़ देते होंगे तो अभी फिर इरादा है कि इस तरह छोटे सेशंस होंगे इन शाल तो एच में जैसे हमने ये सीखा है कि ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है ये एक जिस तरह नॉर्मल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उस तरह नहीं है इसमें टैग्स आप लिखते हैं और आपकी जो वेब पेज है उसका एक बुनियादी ढांचा इसमें खड़ा करते हैं तो उस ढांचे को खूबसूरत बनाने के लिए हम ये सी एस एस का इस्तेमाल करते हैं कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स तो जो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं माजी में तो उसमें जो एच टी एम एल होती थी इसी के अंदर ही आपको टैग्स मिलते थे डिज़ाइनिंग के टैग्स भी लेकिन अभी ये चीज़ रिकमेंड नहीं की जाती कि डिज़ाइन का आप कुछ भी काम एच में करें अब रिकमेंडेशन यही होती है कि आप स्ट्रक्चर एच में टैग्स लिख के खड़ा करें पेज का और बाकी अगर डिज़ाइनिंग से मुतलका जो भी चीज़ है वो आप सी में करें इसी तरह फिर कुछ अगर फ्रंट पे अगर आपने डायनामिक कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की जाती है और बैकएंड पे अगर आपने कुछ डायनामिक काम करना है तो वो उसके लिए आपकी सर्वर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो मेरा क्योंकि ज़्यादा काम मैंने पी में किया हुआ है तो इसी फिर मैं इसी में काम करता हूँ तो इसलिए मैं अभी इसका जो फर्स्ट पेज है इसी को मैं फॉलो करता हूँ और बाद में और मुख्तलिफ़ चीज़ें वैसे यह है कि इसमें मेन हमारा जो है काम इसमें हमारा टारगेट तो ये है वेब डेवलपमेंट सिखाना है लेकिन उसके साथ साथ ये कि और बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जिस तरह डेव ऑप्स है सर्वर मेंटेन करना आपका या जनरली आईटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें वो भी हम साथ साथ इसमें सेशन में शेयर करते रहे हैं और करते रहेंगे इन तो इसमें हमने जो एच का जो एरिया कवर किया उसमें भी कुछ ना कुछ सी का पार्ट कवर होता रहा है लेकिन वो बिल्कुल बेसिक या बहुत महदूद था तो अभी इसमें यह है कि बाकायदा इसमें हम सीखेंगे और ये जो कोर्स है ये भी बेसिक लेवल का कोर्स है तो इसमें कम से कम यह है कि ये आप तीन चार चीज़ें जो हैं एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्र पी एच पी ये आप बेसिक भी अगर आपको आ जाए तो फिर यह है कि आप एक प्रोजेक्ट इसमें कर सकते हैं तो चंद प्रोजेक्ट्स आप करते हैं तो फिर आपके जो एक्सपीरियंस एक बनता है और फिर प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आता है बाकी आप सीखता रहता है सारी ज़िंदगी इंसान तो इसमें जैसे अभी एक एग्जांपल है इसमें हम देखते हैं इसमें W3 थ्री स्कूल्स को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ हालांकि ये बहुत बेसिक लेवल के इसमें बताया जाता है एक तो ये है कि ये इसका कंटेंट कंसाइज है अच्छा है और साथ में ये इस तरह की एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन आप डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं और जो लोग मुझे ये सेशन ज्वाइन करते हैं या फिर बाद में ऑफलाइन मेरे ये वीडियोज़ देखते हैं तो वो इसमें फॉलो कर सकते हैं तो इसमें ये एग्जांपल मैं चलाता हूँ और इसको हम फॉलो करते हैं कि किस तरह है। तो ये अगर हम स्टाइल वाली चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बाकी इसमें जो पार्ट है वो आपका सिंपल एच डी एम एल का पार्ट है एच डी एम एल यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है हेड सेक्शन में कुछ कोड होता है इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं कोड हो और फिर बॉडी में आपका मेन आपका ढांचा होता है पेज का तो इसमें हमने हेडिंग दी है जो कि इधर आ रही है और दूसरी चीज़ हमने दी है पैराग्राफ जो कि इधर आ रहा है तो ये इसका बुनियादी ढांचा हमें समझ आ गया है तो फिर हम अब ये जो स्टाइल का पार्ट है इसको हम समझते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सेलेक्टर्स सी एस एस के इस्तेमाल किए हैं ये एक सेलेक्टर है ये एक सेलेक्टर है, है और ये एक सेलेक्टर है ये तीनों के तीनों ये कहलाते हैं टैग सेलेक्टर क्योंकि जो टैग का नाम है ये वही नाम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ये बॉडी है तो ये बॉडी इस पूरी बॉडी के ऊपर जो भी चीज़ प्रोसेस करनी है ये उसके लिए हमने एरिया डिफाइन किया और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखेंगे अभी कोड को थोड़ी देर के लिए आप नज़रअंदाज कर दें जो भी कोड लिखा हुआ है लेकिन एक पहले एक ओवरव्यू आप इसका ढांचा ज़रा समझें इसी तरह ये एच वन की हेडिंग है तो ये हमने टैग लेक्चर इस्तेमाल किया और इसके हमने यहाँ पर कोड लिखा है इसको क्या डिज़ाइन देना है इसी तरह जो ये पैराग्राफ है इसके लिए हमने यहाँ पे ये टैक्स इलेक्टर इस्तेमाल किया और इसका हमने ये स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें हम देखते हैं कि पहले जो बॉडी है उसमें हमने क्या चीज़ की है इसमें हमने ये सी एस एस इस्तेमाल किया है बैकग्राउंड डैश कलर तो यहाँ पर हमने इसको कलर का नाम दे दिया है यहाँ पर हम कुछ और भी दे सकते थे लाइट ब्लू है यहाँ पर सिंपल ब्लू दे सकते हैं वो लेकिन बहुत ब्राइट सा हो जाएगा इसके लिए पेज के हिसाब से ये ठीक नहीं है तो बैकग्राउंड अगर आपने देना है तो वो लाइट सही होना चाहिए तो यहाँ पे आप नाम इसी तरह कलर्स के नाम लिख सकते हैं और इसी तरह फिर आप इसकी कलर की वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं जैसे एक आपको अगर पता हो आर वैल्यूज़ होती हैं तो इसी तरह हैगजा डेसीमल वैल्यूज़ भी आप दे सकते हैं इसी तरह ये तरीक़ों से आप वैल्यूज़ इसकी दे सकते हैं तो ये अभी हमने ज्वाइन किया है आमिर साहब ने आमिर साहब कोई अगर आपका सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं क्योंकि हमारा ये मेन सेशन जो हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें हमारा मेन सवाल जवाब का सेशन ही मेन मरकज़ी हमारा यही ख्याल है लेकिन अगर आप कोई सवाल नहीं करना चाहते तो फिर हम ये कि ये कोर्स फॉलो करते हैं इसमें हम एच डी एम एल का ये पिछले चंद माह में ये वीडियोज़ आप पुरानी देख सकते हैं उसमें ये कर चुके हैं कवर और आज हम ये सी एस एस जो है इसको शुरू किया है तो इसका भी हम बिल्कुल ये बेसिक्स हम देखेंगे बाकी हम मेन काम तो इन शाह मंडे या उसके बाद से करेंगे तो इसमें हम ये फ़र्स्ट पेज को भी इसको फॉलो करना चाह रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमने इसका एक एग्जांपल सीएसएस का कोड की एग्जांपल खोली है तो इसको कुछ हम कवर कर चुके हैं तो इसमें हम ये देख रहे थे कि इसका हमने ये कोड बॉडी के लिए हमने ये इसके बैकग्राउंड कलर चेंज किया है तो यहाँ पे हमने लाइट सा कलर दिया है तो आगे हम ये बाकी चीजें भी चेक करते हैं लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल बिला चीज यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है आई से रिलेटेड है या किसी तरह का भी सवाल है कोशिश होगी कि आपको जवाब आप मिले तो अभी यहाँ पे हेडिंग में आप देखें कि इसकी जो हमने पहले जिसका जिस तरह ओवरव्यू इसका हमने देखा है तो अब हम एक एक चीज को डिटेल में देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक तो हमने कलर लिखा है तो यहाँ से कलर से मुलाद जो है टेक्स्ट कलर है और बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड कलर ही है तो सिंपल अगर कलर लिखा हुआ है जहाँ पे प्रॉपर्टीज में आए तो उसका मतलब टेक्स्ट कलर है तो ये जो एच वन है ये वाला एरिया ये इसका कलर हमने बता दिया है वाइट तो बाय डिफॉल्ट आपका कलर ब्लैक होता है तो यहाँ पे ये ठीक है रीजनेबल लग रहा है और दूसरी चीज हमने है कि टेक्स अलाइन की प्रॉपर्टी को हमने सेंटर दे दिया इसमें हम राइट right, लेफ्ट ये वैल्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कलर जैसे हमने वैसे हम इसको इसी वक्त रन करके भी देख सकते हैं साथ साथ और अलाइन हम राइट लेफ्ट सेंटर ये तीन वैल्यूज इसके हम दे सकते हैं तो इसी तरह हम देखें फिर आगे आ जाता है हमारा ये पैराग्राफ तो पैराग्राफ में अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ वन बाई वन देखते हैं पहले हम स्ट्रक्चर ओवरऑल इसका हम देख चुके हैं तो पहली चीज़ हमने इसका क्या है फॉन्ट जो है वो चेंज किया है बाई डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन ब्राउजर का मोस्ट most, जो मोस्टली ब्राउजर है उसमें होता है लेकिन ये डिपेंड करता है हर ब्राउजर का कि वो कौन सा डिफ़ॉल्ट फांट इस्तेमाल करता है तो फॉन्ट फैमिली का नाम लिख दिया यहाँ पे आप सिंपली नाम लिखेंगे एरियल एक इस्तेमाल किया जाता है अक्सर हेडिंग्स के लिए एरियल फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है और इसका साइज़ हमने 20 पिक्सल दे दिया और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो मेरे ख़्याल बारह होता है या चौदह पिक्सल होता है ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ब्राउज़र डिपेंडेंट होती हैं तो इसलिए अगर आप मेंशन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है इसीलिए ये नॉर्मल से इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसको अगर हम ख़त्म करके देख लेते हैं हमें कन्फर्म भी हो जाएगा ये इसमें सी एस एस में किसी चीज़ को टम्प्रेरी तौर पर ख़त्म करना हो उसका यानी आप प्रोसेस नहीं करना चाहते तो उसको हम ये कमेंट्स में ऐड कर देते हैं तो इसमें ये होगा कि अब ये इसको प्रोसेस लाइन को नहीं करेगा या तो ये इसको रिमूव कर दें हम लेकिन हमने इसको बाद में क्योंकि इस्तेमाल करना है तो आर्जी तौर पे हम ये कमेंट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है तो कमेंट्स का मरकजी मेन मकसद तो ये होता है कि आप इसमें कुछ जो भी आपने नीचे काम किया हुआ है उसके बारे में कमेंट्स दें ताकि बाद में आप जब कोड देखें तो आपको समझ आए लेकिन यहाँ पे हम इसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी हम चाहते हैं कि आर्जी तौर पे ये लाइन ना चले तो फाइनट का साइज़ हम देख सकते हैं कि छोटा हो गया है उस पर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर हमें एक्चुअल उसका साइज़ भी पता लग सकता है राइट साइड पर अभी देखें ये ये सिलेक्ट हुआ है और राइट साइड पे देखें जो हमने अभी ये स्टाइल लगाया हुआ है ये आ रहा है लिखा हुआ और नीचे जो है वो दूसरे फॉर्मेट में दिया हुआ है पिक्सल्स के बजाय दूसरे फॉर्मेट में ई का एक फॉर्मेट है तो इसको हम वापस ऑन कर देते हैं तो एग्जांपल का मकसद डिमॉन्सट्रेशन ही थी कि सी में हम इस तरह काम करते हैं लेकिन ये तो एक देखिए इस तरह के डिज़ाइन उमूमा हम नहीं देखते ये बिल्कुल बेसिक सीखने के लिए ही ये डिज़ाइन ठीक है तो इसमें W3 स्कूल की अच्छी बात ये है कि ये आपको एग्जांपल्स ऑनलाइन आपको उसी वक़्त देखने में मदद देती है तो आगे हम एग्जांपल्स डायरेक्ट इसकी जाके कर सकते हैं अगर आपको एक्सपर्टीज़ है इसमें सी में पहले से लेकिन अभी हम एग्ज़ैम्पल साथ, साथ जो होंगी वो करेंगे और बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप इसके एक तो ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और ये साइड बाय साइड है इसको टॉप डाउन इस तरह ये चेक कर सकते हैं व्यू सेव कर सकते हैं और मज़ीद ऑप्शन भी हैं अगर ऑनलाइन सेव करना चाहें तो आज इसको मेन uh, इसके सी एस एस करने का शुरू करने का इरादा नहीं है चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि इन ताला तौर थोड़ी सी हम जो चेंज कर रहे हैं टाइमिंग की तो उसमें ये इन ताला नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मंडे को होता है या बाद में होता है तो वो फिर तब हम इसको प्रॉपर शुरू शुरू करेंगे तो फिर अभी जो टाइम है इसमें हम थोड़ी सी और चीज़ करते हैं उसमें <स्थियों> एक काम मैंने रिसेंटली किया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस पर मैंने वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स का वेब सर्वर बनाया है और उसका आपके साथ मैं शेयर करता हूँ तो सबसे पहले तो मैंने अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ है वर्चुअल बॉक्स तो ये पहले इंस्टॉल करें इसमें मैं मुख्तलिफ ये चीज़ें इस पर ट्राई करता रहता हूँ तो इसमें अभी जो मैंने रिसेंट काम किया है वो मैंने एक चीज सर्वर बनाया है आप इसमें उबंटो की साइट पे जाके उसका सर्वर एडिशन डाउनलोड कर लें उसको आप नॉर्मली जिस तरह इंस्टॉलेशन उसकी प्रोसेस है वो स्टार्ट करें वहीं पे ऑप्शन एक आती है कि आप इसको लैंप सर्वर बनाना चाहते हैं और साथ में उसमें एक और ऑप्शन भी मैंने उसमें इनेबल किया है कि इसको मैं एस सर्वर भी बनाना चाहता हूँ चूँकि यहाँ पे जो अभी ये सर्वर एग्जीक्यूट होगा तो ये जो कंसोल आएगी ये इतनी यूज़र फ्रेंडली कंसोल नहीं होती तो अगर तो आपका लाइव सर्वर है यानी कि जिस तरह अभी मैं वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया हुआ है इस तरह नहीं है सिचुएशन आप असल में आपने एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है तो फिर तो आपके पास जहरी बात है एक ही ऑप्शन है आपके पास ये कंसोल ही तो फिर आप सारी कमांड्स वहीं पर टाइप करते हैं और इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिस तरह के अभी हमारे पास सूरत हाल है कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमने ये इंस्टॉल किया हुआ सर्वर तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर सकता हूँ लेकिन इसमें जो कॉपी पेस्ट कुछ कमांड्स मसा चलानी है मैंने मसलन इसमें कुछ सॉफ्टवेयर करने थे पॉइंट ऑफ सेल का इंस्टॉल करना था तो उसके लिए फिर मुझे इसको प्रॉपर और चीज़ें करनी पड़ी डाटा बेस इम्पोर्ट करनी पड़ी फाइल्स कापी करनी पड़ी फाइल्स को एडिट करना पड़ा साइट को लाइव करना पड़ा तो उसमें इश्यूज आए तो इसके लिए फिर ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है मुझे कि आप इसमें एस एच सर्वर आप कर लें और अब ये एक नॉर्मल टर्मिनल है जो कि मैंने मैं जो यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स मिंट मिटे इसका ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है तो ये यूज़र फ्रेंडली है इसमें आप देखें ऊपर जो मेन्यू है ये और तरह का है इसमें आप कॉपी पेस्ट जैसे मैं अगर वेबसाइट पे एक कमांड मुझे नज़र आती है कोई भी लिनक्स की कमांड तो मैं इस कमांड को इस तरह कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे चला सकता हूँ ये काम मैं दूसरे टर्मिनल में नहीं कर सकता था तो इसको मैं यहाँ पे साथ में ओपन करता हूँ और इससे पहले मैं देखता हूँ कि ये जो मैं सर्वर अभी चला रहा हूँ इसको मैंने आईपी की सेटिंग की है कि ये राउटर जो है वहां से आईपी ले तो इसका मैं जो नाम है आईपी है वो मैं इसका देखता हूं और ये मैं अपने राउटर की से, सेटिंग में लॉग इन करता हूं और यहां पे डी पे जाता हूं डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या समथिंग इस तरह का है ऑप्शन इसमें तो इसमें अभी तो यहाँ पे लिस्ट में नहीं नाम आया वैसे इसका ये सर्वर का लिस्ट में नाम आ जाता है चले अभी किसी वजह से ये नाम नहीं आ रहा है तो मैं इस तरह करता हूँ कि जो ये कंसोल है इसमें लॉगिन करके आईपी देख लेता हूँ बेसिकली मुझे आईपी चाहिए क्योंकि वेबसाइट तो मैंने इस पर लाइव कर दी है तो उस लाइव साइट को क्योंकि मैं लोकली एक्सेस कर रहा हूँ तो फिर मुझे आई ही चाहिए तो डोमेन जिस तरह नॉर्मल होते हैं जिस तरह मेरी एक साइट है ई साइट डॉट पी के ये तो इंटरनेट पे साइट पड़ी हुई है तो फिर हम इसको डोमेन और उसको आईपी आई को लिंक अप कर लेते हैं लेकिन ये क्योंकि लोकली मैं कर रहा हूं तो इसमें फिर मैं इसका आई पी मुझे चाहिए तो मैं इसमें लॉग इन करता हूं हाँ अभी ये कर रहे हैं यूजर नेम दें और जो भी पासवर्ड है वो आप दें जो भी जब आपने इंस्टॉलेशन किया तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है तो यहाँ पे देखें आपको ये आईपी एड्रेस वन नाइन टू सेंटर में तकरीबन राइट साइड पे लिखा हुआ रहा है वन नाइन टू डाट वन सिक्स एट डॉट टेन डॉट फाइव तो इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं इसको खोलता हूँ वन नाइन टू और आखिर में आ रहा था फाइव आ रहा था तो ये है अब ये सर्वर जो यहाँ पे चल रहा है इस मशीन के अंदर ये उसकी वेबसाइट को ये एक्सेस कर रहा है कंप्यूटर तो इसमें आगे जो पाथ मैंने दिया हुआ है फोल्डर्स का मुझे पता है वो मैं इसको वही देता हूँ और तो ये साइट जो मैंने इसमें पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर सेटअप किया है वो इसमें एग्जीक्यूट हो गया तो इसमें मैं लॉग इन करता हूँ और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि एक तो मैं इसी कंप्यूटर पे इस सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ ठीक है वेबसाइट जो मैंने इसमें सेटअप की है पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर वो यहाँ से इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरी बात यह है कि अगर मेरे पास ये लैन नेटवर्क है या वैन नेटवर्क है इस पर डब्ल्यू लैन है तो उस पर जो भी मेरे पास लैपटॉप मोबाइल और पीसीज लैपटॉप मैग जो भी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हैं उनको मैं यही आई पी दे के ब्राउज़र में लिख के इसको इस सॉफ़्टवेयर को एक्सेस कर सकता हूँ हालाँकि ये सॉफ़्टवेयर वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन इसकी जो नेटवर्क सेटिंग है उसकी वजह से ये बाहर भी एक्सेस हम कर सकते हैं तो इस तरह हम ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेटअप इस तरह करने का फ़ायदा क्या है मुझे एक तो फायदा यह है कि ये जो वर्चुअल मशीन चल रही है ये एक ब्लैक बॉक्स है यानी इसके अंदर क्या है जो एंड यूज़र है उसको इस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं सर्वर जैसे भी मैंने सेटअप किया हुआ है जो जो ऑप्शंस इनेबल किए हुए हैं और दूसरी चीज़ ये है कि इसको सेटअप करने के लिए मुझे सिर्फ इसकी यहाँ पे जो जब ये इंस्टॉलेशन मैं करता हूँ तो इसकी एक फ़ाइल आपकी डिस्क पे बनती है तो यहाँ पे मैं आपको फाइल दिखाता हूँ वो फ़ाइल सिर्फ मैं अगर कॉपी पेस्ट करूँ किसी भी कंप्यूटर पे तो मेरा ये काम इससे बन सकता है जिस तरह ये फ़ाइल है इसका जो सेटअप किया हुआ है वो टेन जी बी साइज़ किया हुआ है लेकिन एक्चुअल जो हार्ड डिस्क साइज़ है वो फोर पॉइंट थ्री एट है थ्री एट और इसमें इसको मैंने कंप्रेस करके देखा है तो ये अच्छी अच्छी खासी ये कंप्रेस होके सेवन हंड्रेड प्लस कुछ जो है एम तक ये आ जाता है यानी वन जी से लेस में भी ये आपकी फ़ाइल बन जाती है और फिर इस फ़ाइल को ये है कि आप अपने किसी भी जगह जो विंडोज़ का कंप्यूटर है या मैक है या लिनक्स ही है किसी भी जगह पे आप इस फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करें और वहाँ पे आप ये न्यू आप करें वर्चुअल मशीन इस तरह यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करके वर्चुअल मशीन ऐड कर सकते हैं तो उसमें जब सेटअप होती है वर्चुअल मशीन तो वहां पे वो पूछता है नई फाइल वो हार्ड डिस्क बनाए या क्या करे तो उसमें आपने ये वाली फाइल जो आप कापी पेस्ट करेंगे क्लाइंट के कंप्यूटर पे तो उसमें फिर ये सेटअप हो जाएगा तो फिर इसका एक फायदा ये भी है कि अगर ये वर्चुअल मशीन किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है या क्लाइंट गलती से रिमूव कर देता है या समथिंग कुछ भी वजह होगी तो आपने सिंपली फिर से ये फ़ाइल कापी पेस्ट करनी है और अल्लाह खैर सल्ला वो दोबारा से वहीं से चल पड़ेगा आपका सेटअप अच्छा इसके बाद आगे इस तरह है कि ये तो एंड आ गया आपका जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर वो एंड आ गया एक एंड जो है कि जो आपका होस्ट सिस्टम है बिलफऱ आपका होस्ट जो सिस्टम है वो विंडोज़ है और विंडोज़ कोई वायरस आता है या कोई सॉफ्टवेयर की सेटिंग में खराबी हो जाती है किसी वजह से भी आपको फ्रेश विंडो करनी पड़ जाती है तो तब भी आपको फायदा है आपने सिंपली यही जो फाइल है इसकी हार्ड डिस्क उसकी बैकअप एक रखें अपने पास और अपनी फ्रेश विंडो इंस्टॉल करें और दोबारा इस फाइल को सारा कुछ इंस्टॉलेशन करके वहीं पर इसकी फाइल को पेस्ट कर दें तो आपका जो सेटअप है वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये सेटअप इस तरह वैसे आप डायरेक्टली जो वेब सर्वर आप जो भी इस्तेमाल करें जैसे ये सॉफ़्टवेयर है अगर ये मैं वैसे विंडोज़ में करूँ तो ये डायरेक्टली विंडोज़ में भी हो सकता है लेकिन विंडोज़ में जब अगर मुझे दोबारा इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी तो फिर से मुझे दोबारा सारे वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि काफ़ी कम्प्लिकेटेड ही हो जाता है आपको पहले विंडोज़ को वेब सर्वर बनाएं अक्सर लोग जैप सर्वर करते हैं या एक वेब वेब सर्वर है वो भी किया जा सकता है फिर उसमें वही बात है कि आप अपनी डेटा बेस इम्पोर्ट करें और दूसरी जहाँ पे आपकी एक्चुअल लाइव वेबसाइट वहाँ से एक्सपोर्ट करें यहाँ पे इम्पोर्ट करें और फिर फाइल्स कॉपी करें फिर जो वेब सर्वर की एक्सटेंशन हैं वो देखें मतलब आपको इसमें इतद करना पड़ता है ज़्यादा जबकि इस सेटअप में ये है कि सिंपली आपकी ये फाइल आपको चाहिए और ये रनिंग में आपको वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर चाहिए तो उस हिसाब से ये एक आपका कंप्लीट सलूशन की तरह काम करता है यानी सिंपली आपने कॉपी पेस्ट करनी है फ़ाइल और ये आपको सॉफ्टवेयर रनिंग में चाहिए तो आपको कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करने कोई डाटा बेस इम्पोर्ट नहीं करनी फ़ाइल्स कॉपी नहीं करनी फिर उसके वो नए सिरे से आप सारा सर खपाएँ कि कौन सी इशू आ रहा है अभी क्यों नहीं चल रही है सर सर्वर या साइट आपकी सर्विस क्यों नहीं चल रही तो इस हिसाब से ये आपका पूरा एक पैकेज के तौर पे काम कर सकता है तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमें ये इशू आता है इसको इस जो इसका डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है इसमें एक्सेस करने के लिए क्योंकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट और दूसरे फीचर्स नहीं होते तो इसमें फिर हमारे पास ये हम जो आपके अगर आपके पास विंडोज़ है तो वहाँ पर आप एक पुटी के नाम से एक सर्विस है तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो बेसिकली हमने सर्विस इस्तेमाल करनी होती है एस एस एच इसके शेल बोलते हैं इसको तो अब ये सर्वर अभी फिलहाल तो इसी कंप्यूटर पे ही है मेरे लेकिन अगर मैं किसी और सिस्टम से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तब भी हम ये एस एस एच इस्तेमाल कर सकते हैं या ये सर्वर आपका इंटरनेट पे चल रहा है तो तब भी आपके पास उसका आईपी होता है या डोमेन होता है आप उसके ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं तो तो इसमें अभी मैं जैसे इस मशीन को एक्सेस करना है तो विंडोज़ का आप जैसे मैंने बताया कि उसमें पुटी के नाम से सॉफ्टवेयर है थोड़ी सी चीज़ों का फ़र्क है कनेक्शन के मेन चीजें लेकिन यही हैं इसमें मैं ये कमांड के बेस पे कर रहा हूँ एस एस एच यूजर का नाम जो भी आपका है और एट द रेट साइन और फिर आगे आपने आईपी लिखना है जो कि सर्वर का आईपी है तो अभी हमारे पास क्योंकि ये लोकली चल रहा है तो इसका आईपी ये है सिर्फ यहाँ पे आईपी देना है बाकी एच टी पी नहीं देना है क्योंकि ये एस एस एच खुद एक प्रोटोकॉल है तो वन नाइन टू डॉट वन सिक्स डॉट टेन डॉट फाइव ये अभी मेरे पास लोकली ये ये वाला आईपी है तो यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे यस करना है ये इसको हमारे पास सिस्टम में इधर ऐड कर देता है कि ये ट्रस्टेड आईपी है तो इसमें मैं यस कर दिया और ये हमारे पास ऐड हो गया और अभी इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा है वैसे ये है कि आपसे ये पासवर्ड मांगेगा जिस तरह यहाँ पे मैं लॉगिन हुआ था पासवर्ड मांगा था तो यहाँ पे इसने पासवर्ड नहीं मांगा है क्योंकि पासवर्ड मैं इसके अंदर सेव कर चुका हूँ वो मैं आपको तरीका बताता हूँ उसमें थोड़ा सा आपको एडवांटेज हो जाता है क्योंकि सर्वर्स आप बहुत सारे मैनेज कर रहे हैं तो हर दफ़ा आप सर का मतलब पासवर्ड याद रखें कॉपी पेस्ट करें तो उस सरदर्दी से बचने के लिए फिर आसान तरीका एक है वो मैं भी आपको बताता हूँ तो बहर अभी जो मैं ये कमांड्स लाऊँगा ये इस कंप्यूटर पे कमांड नहीं चल रही ये जो वर्चुअल मशीन के अंदर ये आपका सिस्टम है इस पर चल रही है या ये सर्वर आपका अगर किसी और कंप्यूटर पे है तो वहाँ पे कमांड्स चलेंगी या ये इंटरनेट पे आपका पड़ा हुआ है सर्वर तब भी ये कमांड आपके उस सर्वर पर चलेंगी लिखेंगे हम यहीं पर लेकिन चलेगी ये वहाँ पर जिस तरह मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ होस्ट नेम अब यहाँ पर ये यह उसका बता रहा है जो भी होस्ट नेम है और मसलन मैं यहाँ पे एक और टैब खोल लेता हूँ इसमें मैं इसी कंप्यूटर की जो है वो होस्ट नेम चेक करता हूँ अब ये कमांड जो है इस कंप्यूटर पे चल रही है जो मेरा मौजूद है होश नेम तो यहाँ पे होश नेम इसका ये बता रहा है जबकि यहाँ पे मैं यही कमांड चला रहा हूँ लेकिन क्योंकि ये हम एस करते हुए इस सर्वर के अंदर घुसे हुए हैं तो ये कमांड्स जो हैं वो उस सर्वर के ऊपर चल रही हैं इसलिए होस्ट नेम में अब ये उसका नाम तो यहाँ पर भी आप देखिए ये प्रॉम्प्ट भी चेंज हो गया पहले ये प्रॉम्प्ट इस तरह था यूज़र नेम तो वही है इतफाक से और ये आगे उसका जो होस्ट नहीं है ये और है और है है पे जो भी नेम वो लिखा हुआ आ गया तो बाकी सर्वर सारा सेटअप मैंने ऐसे ही किया है मैक्सिमम चीजें मैंने यहीं से जैसे भी वो वेबसाइट सारी इसमें लाइव करनी थी डाटा बेस इंपोर्ट करनी थी सेटअप करना था डेटाबेस को जो भी सब कुछ इसमें ऐसे ही किया है तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें जो आपको बता रहा है कि आई पासवर्ड के बगैर आप किस तरह सेटअप कर सकते हैं तो उसमें बहुत ये आसान तरीका है पहले तो आप ये कि एग्ज़ट करें और आपने जब ये कमांड लिखी है इसमें सिर्फ आपने यहाँ पे एक इजाफा कर दें सी ओ पी लिख के या ये टैब प्रेस करें तो ये कमांड बन जाती है लिनिक्स के ऊपर अगर आप इस्तेमाल करें तो एस एस एच कापी आई डी तो ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर से उस सर्वर पर ये आई डी कापी कर देता है ठीक है फाइल जो है वो सिक्योर फाइल्स होती हैं पब्लिक की प्राइवेट की तो ये पब्लिक की आपकी जो है वो वो फाइल जो है वो शेयर कर देता है उस कंप्यूटर के साथ तो. प्राइवेट की तो हर बंदे की प्राइवेट होती है वो ऑटोमेटिकली ये बैक एंड पे कर रहा होता है तो आप ये कमांड लगाएंगे तो ये आपसे पासवर्ड एक दफा मांगेगा तो वो फाइल आपकी सर्वर पे पेस्ट हो जाएगी उसके बाद जब भी आप एस एस एच करेंगे तो ये इसी तरह आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा पासवर्ड आपको नहीं देना पड़ेगा तो ये जब आप सर्वर्स मैनेज कर रहे हो जिस तरह के अक्सर आपके सर्वर्स लिनक्स बेस्ड होते हैं तो उसमें ये भर आपको बहुत सहूलत हो जाती है तो अभी जो रिसेंट मेरी ये डेवलपमेंट है ये यही है तो ये आप सर्विस इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली ये पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है फुल फंक्शनल ओपन सोर्स इसमें आप डेवलपमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं और कोई डेवलपर हायर करके उससे भी काम करवा सकते हैं यानी इसमें बहुत सारे जनरल फीचर्स तो इसमें मौजूद हैं लेकिन हो सकता है कुछ फीचर आपके वो जरूरत के मुताबिक ना हो तो आपको इसपे खुद या काम करें सीखें या फिर कोई डेवलपर हायर करें उससे काम करवाएं तो ये तो होगी मेरी जो रिसेंट मैंने डेवलपमेंट की है इस पर मशीन के अंदर तो बेसिकली ये वेब डेवलपमेंट में डायरेक्ट काम तो नहीं आता लेकिन इनडायरेक्ट आपको सर्वर्स को बाजूका मैनेज करना पड़ जाता है तो फिर उसके लिए आपको जितनी ज्यादा चीज़ें पता हो आई रिलेटेड उतना ही आपको फायदा है तो आज बस कुछ मेरा इतना ही सेशन रिकॉर्ड करने का इरादा था बाकी इन शाह मजीद अगर तरतीब बनती है जैसे कि मेरा इरादा है मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ कि इंटर्नशिप एक प्रोग्राम शुरू करने का इरादा है फ्री इंटर्नशिप इसमें ऑफलाइन मेरे ऑफिस में ये होगी और ऑनलाइन अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ऑनलाइन भी की जा सकती है तो ठीक है फिर इनशा तला उसमें फिर सेशनस हमारे ये छोटे होंगे इस तरह टास्क ओरिएंटेड होंगे जिस तरह अभी मैंने मेन तो जो सी एस एस है वैसे सरसरी तौर पे बताया है और जो मेन आपको चीज़ बताई है वो यही था कि हम किस तरह आप वर्चुअल मशीन के अंदर एक सर्वर को सेटअप कर सकते हैं और उसमें उसको वेब सर्वर बना सकते हैं एस एस एच सर्वर बना सकते हैं और फिर उसको किस तरह ब्राउज़र में या दूसरे कंप्यूटर पर या इंटरनेट पे अगर अगर सर्वर है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं और फिर आप अगर उसको सर्वर की मैनेजमेंट करनी है तो किस तरह एसएसएच करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया और सेशन में क्लोज करता हूँ अल्लाह हाफिज़